हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो स्टूडेंट जैसे कि आज 29 जून 2023 को एच मेडिकल टेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडी वाला सेक्शन ले रहा हूँ फिर मैं आपका साइकोलॉजी वाला सेक्शन लूँगा फिर केमिस्ट्री फिर हम डिटेल में बाद में जो है बायोलॉजी वाला सेशन जो है कवर करेंगे विद एक्सप्लानीशन ठीक है स्टूडेंट्स इसमें जो है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन जो है वो सही रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरीज होती है कोई ऑब्जेक्ट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी कमीशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो इसी चैनल पर आती रहेगी सो so, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सेक्शन uh, जो फोर्थ है आपका जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ पहला क्वेश्चन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के विकास ठाकुर किस खेल से संबंधित है ठीक है इंग्लिश में अगर देखा जाए विकास ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट्स तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी है वेट लिफ्टिंग ठीक है स्टूडेंट्स मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ता हूँ इंग्लिश में बाकी आप हिंदी वाले जो है हिंदी में देख लेना मुझे लगता है कि जो एच पी मेडिकल टेट दे रहे हैं वो ज़्यादातर प्रेफर जो है इंग्लिश में ही आ, समझना करेगी मेरे अकॉर्डिंग तो बाकी आप देख लेना आपको जो है वो फोटो क्लियर दिख रहा है फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल देना मैं वो क्वेश्चन फिर से जो आपको राइट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ठीक है वन ट्वेंटी टू क्वेश्चन है आपका एट प्रेजेंट हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज़ रोहित ठाकुर वेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड टेंथ दिसंबर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज इज़ दटअप वीक सिचुएटेड ठीक है स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है uh, Next, आपका वो है नीलगिरी हिल्स नेक्स्ट है आपका हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट है आपका Where इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड इन इंडिया शिमला उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ए ने जो है खत्म किया यहाँ पे वन ट्वेंटी सिक्स पे सो अब हमारा वन ट्वेंटी सेवन ग्रेमी अवार्ड्स इज गिवन इन विच फील्ड दैट इज म्यूजिक ऑप्शन बी हु हैज बिकम मिस यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन सी जो सही रहेगा ऑप्शन सी आर वनी ग्रेवियल गेवरियल गेवरियल नेक्स्ट है आपका

थर्टी वन है आपका मोहिनीटम इज द फोक डांस ऑफ दिस स्टेट उड़ीसा नेक्स्ट है आपका वो इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर दैट इज द स्टेटोस्पेयर उसके बाद आपका विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित पंडित रविशंकर प्ले दैट इज ऑप्शन ए सही रहेगा इसका सरोद नेक्स्ट आपका डिड सुकेत सत्याग्रह हैपन इन हिमाचल प्रदेश दैट इज द फेबररी नाइनटीन फोर्टी एट वट इज लेडी ऑफ कैलोंग ऑप्शन ए ग्लेशियर बट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल पर्सन ऑन दी परचेज ऑफ ई टैक्सी इन हिमाचल प्रदेश दैट इज द फिफ्टी परसेंट ऑप्शन सी उसके बाद आपका इन विच एयर वॉज द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी मंडीवील्ट एटीन हंड्रेड सेवेंटी सेवन वेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर उसके आपका किलीमंजारो वॉलकानो इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट दैट इज अफ्रीका नेक्स्ट आपका विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक वल्ब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रिक वल में यूज होती है बिग वियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आई थिंक यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन जो सी रहेगा आपका कॉन्स्टेश नेक्स्ट है आपका वट इज़ एफ ई -e एम ए इसका जो ऑप्शन है वो है फॉरन एक्सचेंज मनी एक्ट ऑप्शन ए रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर दैट इज द ऑप्शन डी उसके बाद आपका इन विच डेजर्ट डज दुशमैन ट्राइव लाइव ऑप्शन बी इसका जो है सही रहेगा कलहारी उसके बाद आपका विच इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वह है वेलिंगटन फिर नेक्स्ट है आपका हाउ इज एट प्रेजेंट द एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज द अनुप कुमार रतन ऑप्शन सी जो इसका सही रहेगा उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका वेयर इज सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया उसका ऑप्शन जो है वो सी है चेन्नई लेदर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है यहाँ पे लेदर जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसका इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है लेदर नेक्स्ट है आपका हु इज करेंटली करेंटली द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑप्शन सी जगदीप धनकर जी नेक्स्ट है आपका हु बिकम द फिफ्टियथ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दट इजिस डी वाई डी वाई चंद्रचूड़ ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था हमारा जो है वो एनवायरमेंटल या जनरल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल स्टडी का पोर्शन जिसमें हमने जो है थर्टी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया नेक्स्ट हमारा रहेगा साइकोलॉजी वाला पोर्शन, फिर केमिस्ट्री वाला फिर जो है बायोलॉजी का पोर्शन, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजी का पोर्शन विद एक्सप्लेनेशन तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे इससे क्या होगा कि आ, मैं जब 10 या 15 मिनट बाद जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही आपके पास शो हो जाएगी कि ये वीडियो डल गई है आपको सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो आइकन को प्रेस कर दे ठीक है मन करे तो लाइक और शेयर भी कर देना धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट